रिश्तों की अहमियत। देखिए एक पति ने अपनी पत्नी को कैसे सबक सिखाया। राज आज दफ्तर से दोपहर में ही आ गया। पत्नी ने देखा कि राज बहुत परेशान लग रहा है तो तुरंत ही पूछ लिया, क्या हुआ जी, आप ठीक तो हैं ना? राज ने कहा, हाँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन। लेकिन क्या? राज की पत्नी निधि ने कहा। राज के माथे पर चिंता की लकीरें दौड़ रही थीं और उन्हीं लकीरों पर पसीने की बूंद ऐसे ठहर रही थी मानो कुछ लिखकर बयां करना चाहती हो। निधि ने कहा, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? लेकिन राज अभी भी जवाब देने की हालत में नहीं लग रहा था। फिर भी उसने हिम्मत करके बताने की कोशिश की, तुम्हारे पापा का फोन आया था, सब ठीक तो है ना? बीच में टोकते हुए उसकी पत्नी बोली। राज ने कहा, हाँ सब ठीक है, बस वो कह रहे थे कि केतन का उनसे झगड़ा हो गया है और वो उनसे अलग होकर रहना चाहता है। केतन का तो दिमाग खराब हो गया है, अभी शादी को 4 दिन भी नहीं हुए और माँ बाप से अलग होने की बात कर रहा है, गुस्से में निधि बोली। उसे शांत करने के लिए राज ने उसे समझाने की कोशिश की और कहा, हो सकता है केतन सही हो, तुम्हारे माता पिता ने ही कुछ गलत किया हो। निधि बोली, आप भी क्या बात कर रहे हैं, मैं बचपन से जानती हूँ अपने माँ बाप को, वो गलत नहीं हो सकते जिन्होंने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, क्या तुम्हें लगता है वो गलत हो सकते हैं? राज ने कहा, लेकिन हम इसमें क्या कर सकते हैं? निधि बोली, मुझे अभी जाना है केतन के पास, उससे पूछूंगी मैं कि उसकी ऐसे करने की हिम्मत कैसे हुई। राज ने कहा, लेकिन क्या इस समय जाना सही होगा? निधि ने कहा, यह सब मैं नहीं जानती, मुझे जाना है तो जाना है बस। इस स्थिति में राज निधि को किसी भी तरह नहीं रोक सकता, इसलिए उसने उनके साथ जाना ही सही समझा। निधि और राज की शादी को 8 महीने हो चुके थे। केतन निधि का भाई था, उसकी शादी को अभी 3 महीने हुए थे। निधि अपने मायके पहुंची, अभी राज कार में से उतर ही रहा था। इतने देर में तो निधि दरवाजे से घर के अंदर भी दाखिल हो गए। ड्राइंग रूम में निधि के पापा बैठे थे। निधि गुस्से में तिलमिलाई हुई उनके पास पहुंची और बोली, कहाँ है केतन? लगता है उसका दिमाग खराब हो गया है, उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि आपसे अलग होने का ख्याल भी आया उसे? निधि के पिता हैरान होकर उसके मुंह की तरफ देखने लगे, फिर कुछ चिंतित सी आवाज़ में बोले, निधि बेटा ये क्या बोल रही हो तुम? किसने कहा तुमसे कि केतन हमसे अलग हो रहा है? इतनी देर में केतन की पत्नी किचन से निकलकर बाहर आई। पिताजी के सवाल और केतन की पत्नी को देख निधि एक पल के लिए मानो सुन में चली गई। उसे समझ नहीं आ रहा था ये सब सच हो रहा था या उसे कोई बड़ी गलतफहमी हो गई थी। तभी उसने देखा कि राज अभी तक वहाँ पर नहीं पहुँचा था, इसलिए जैसे ही उसने घूमकर दरवाजे की तरफ देखा उसने राज को वहाँ खड़ा पाया। जिससे पहले कि वो कुछ पूछती राज पहले ही बोल पड़ा, मैंने झूठ बोला था। निधि ने कहा, लेकिन क्यों? अब तो निधि के साथ उसके पिता और केतन की पत्नी भी समझना चाहते थे कि आखिर हो क्या रहा है। इतनी देर में निधि की माँ भी अपने बेडरूम से निकलकर बाहर आ गई। राज ने कहा, क्योंकि मेरे माँ बाप भी गलत नहीं हो सकते, मैं भी उनके साथ बचपन से रहा हूँ, ज़रूर गलती तुम्हारी ही होगी। निधि सब समझ चुकी थी, उसे एहसास हो चुका था। निधि की आंखें आंसुओं से भर चुकी थी और वह कांपती हुई आवाज़ में बोली, हम आज ही माँ बाबू जी को घर ले आएंगे। राज ने कहा, लेकिन वो गए भी कहाँ हैं? निधि बोली, क्या मतलब? राज ने कहा, मुझे पता था तुम्हें रिश्तों की अहमियत जल्द ही समझ आ जाएगी, इसलिए मैं उन्हें बड़ी दीदी के यहाँ छोड़ दिया था, तुम्हारे घर जाने से पहले वो घर पहुँच जाएंगे। निधि आप भी ना। फिर निधि ने राज को गले से लगा लिया और फिर दोनों अपने घर चल पड़े। रिश्तों की अहमियत का और अपने
लिए चाहते हो वैसा ही अपने जीवन साथी के साथ व्यवहार करो। जीवन खुद व खुद मज़ेदार हो जाएगा। जैसे आपके माँ बाप हैं ऐसे ही आपके सास ससुर हैं। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करें। अब मिलते हैं नई कहानी के साथ। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद।